सर वीएड बुलान और ईवो का रन भी आपको देखने को मिलेगा। मिस्टर L1 17 इंचेस के लॉयज हैं और 9JJ ऑल। अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक हो गए, मैं भी ठीक हूँ। सो गाइज, आज एक बार फिर से मैं आपके सामने मौजूद हूँ हैचबैक सीरीज पार्ट 3 के लिए। और हैचबैक सीरीज पार्ट 3 में आज हमने करना क्या है? करना में ये है कि हमने इसका फाइनल पेंट लगाना है, और इसके अलावा गाड़ी का कुछ सामान मजीद आया था कल रात में, मैं दिखा नहीं सका, वीडियो नहीं बना सका, लेकिन मोटर स्पोर्ट्स भी जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ और क्या सामान है। आई थिंक डैशबोर्ड आया है और एक दो चीज़ें और आई हैं, लेकिन पहला जो हमारा मेजर गोल है आज, वो हमने इसका आउटर पेंट करना है और उसके बाद फिटिंग्स वगैरह की तब देखेंगे, क्योंकि अभी हमने फर्स्ट कोट लगाना है, फिर पता चलेगा कि क्या लुक आ रही है पेंट की, वाइट के ऊपर एक और पेंट हो रहा है। सो अभी हमें पता नहीं है क्या पेंट आएगा, पेंट बूथ के अंदर ही लगाएंगे, कोशिश यही है कि पेंट बूथ के अंदर ही पेंट लगाएं हम लोग। लेकिन अभी मैं जाऊंगा मोटर स्पोर्ट्स और उसके बाद पेंट वगैरह सिस्टम होगा, कोशिश करूंगा पेंट की, पेंट होते हुए की भी कुछ शॉट्स होंगी वो भी मैं इस व्लॉग के अंदर डाल सकूँ। सो निकलते हैं इंशाल्लाह और देखते हैं क्या सीन है आज के। हम लोग मोटर स्पोर्ट्स पहुँच गए हैं, ये खड़ी है अपनी गाड़ी और चलते हैं अंदर। अभी वाइट पेंट का एक कोट रहता है, मैं आपको थोड़े से उसकी शॉट्स दिखाता हूँ, उसके बाद फिर मेन पेंट लगेगा। अभी यहाँ पे वाइट पेंट का एक कोट लगेगा और उसके बाद जो मेन पेंट है हमारा वो लगेगा, तो इंशाल्लाह उसको सारे जो भी कोशिश करूँगा वीडियोज वगैरह आपको मैं दिखा सकूँ। The next day. नया दिन है, नया आगाज है, ये नेक्स्ट डे पे बात चली गई है। क्यों? जैसा आपको मैंने दिखाया था कि वाइट पेंट हमने लगाया है, वाइट पेंट लगाने के बाद भी हमें कुछ हद पिन होल्स नज़र आ रहे हैं, तो दो तीन बार तो वाइट पेंट ही हो गया, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस नहीं था, हमारे पेंटर साहब का इतना एक्सपीरियंस इस मामले में नहीं था कि कलर के ऊपर कलर लगाएंगे तो उसका क्या इफ़ेक्ट्स होंगे। सो वाइट पेंट लगा के ही दो तीन बार हमें उतारना पड़ा है उसके पिन होल्स, और वो समझ नहीं आ रही थी क्योंकि सिंगल कोड लगाना था, सिंगल कोड लगाते हैं तो लगता है जैसे बहुत सारी स्पेस खाली है बीच में। सो मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या कंडीशन है, थोड़ा बच बचा के दिखाना है और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो भी मैं रिवील नहीं कर सकता। सो ये देखें जी, वाइट पेंट दो से तीन बार लग चुका है और फिलहाल तो यही लग रहा है कि काफ़ी कोई पिन होल वगैरह कुछ भी नहीं ऐसा जो अब ना नज़र आ रहे हो या कुछ ऐसा जिसकी प्रॉब्लम हो सकती है। सो आज इंशाल्लाह फाइनली कोशिश हम करेंगे कि इसका पेंट लग जाए और ये वाला काम जो सा है इख्तिताम पे जाए। बाकी रिम्स मैंने आपको अभी तक नहीं दिखाए, वो इंशाल्लाह भी मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि पहला मेरा मेन कंसर्न ये था कि पेंट हो जाए तो पेंट होता हुआ ज़रा मैं कुछ शॉर्ट्स वगैरह ले लूँ, तो बाकी रिम्स तो आपको पता घर पड़े में है, वो इंशाल्लाह मैं जब घर जाऊंगा तो उसका भी एक प्रॉपर लुक आपको जोन से है मैं तब दिखाऊंगा। तो आज दुआ कीजिए इंशाल्लाह आज पेंट हो जाए। अभी तक पेंट वाला काम तो स्टार्ट नहीं हुआ, इंशाल्लाह थोड़ी देर में हो जाएगा, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सरप्राइज़ है। और आज हमारी मोटर स्पोर्ट्स के ऊपर एक स्पेशल गाड़ी है, ये आप सबकी फेवरेट द V8 बुलान। जितनी तारीफ करें उतनी कम है इस गाड़ी की, क्या बात है, अरे वो को इसने उड़ा दिया, टर्बो को इसने टफ टाइम दे दिया, और इंशाल्लाह इन फ्यूचर V8 बुलान और ईवो का रन भी आपको देखने को मिलेगा, चल जाएगा पता कि V8 बुलान कितना ज़्यादा इस टाइम दम में है। सो V8 बुलान मोटर स्पोर्ट्स में मौजूद है, इंशाल्लाह नई लुक इसकी भी आ रही है जो ईद पर आपको देखने को मिलेगी, और बहुत सारी मॉडिफिकेशंस अभी इसकी आनी है, वो भी इंशाल्लाह आपको जो सा ईद या उसके बाद वो ही सब देखने को मिलेगा। तो V8 बुलान की अपडेट्स आने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब करें, और जल्द से जल्द हमारे 1K सब्सक्राइबर्स पूरे करवाएँ, ताकि इन फ्यूचर आपको V8 बुलान वर्सेज़ ईवो देखने को मिलेगा।
अपनी सिविक का काम जो है वो रुका हुआ है, लेकिन फिलहाल V8 बुलाने का काम जोरों शोर से जारी है। इंशाल्लाह इसकी बॉडी किट्स वगैरह पेंट हो जाएंगी और जो फ्रंट लाइट्स वगैरह देख रहे हैं इसमें भी इंशाल्लाह अभी या ईद तक इसके अंदर ही मॉडिफिकेशन वगैरह स्टार्ट कर देंगे। बाकी सिविक अब लाइट नहीं है, अब ये हो रहा है, वो हो रहा है, खैर से मुझे तो समझ नहीं आ रहा। बाकी टाइम भी हो गया वह है 5:40, तो इंशाल्लाह घर निकलते हैं। घर निकल के उसके बाद जोन से आपको मैं रिम्स वगैरह दिखाता हूँ और ये व्लॉग मुझे लगता है यहीं पे ख़त्म करना पड़ेगा। मेरा दिल था आपको मैं पेंट वगैरह सारा करके वो भी उसका पूरा व्लॉग दिखाता, लेकिन आज जोन सा है हम V8 बोलान का ही आपको गेड़ा करा सकें क्योंकि अपना वो काम होगा नहीं। और इंशाल्लाह अभी आपको घर जाके मैं अलॉयज दिखाता हूँ जो मैंने हैच के ले लिया। बाकी ये चेक करें, ओए होए होए अभी तो ये किट पेंट होनी है और बड़ा कुछ होना है, अभी तो ऑन वे है सब कुछ, अभी तो आपको मज़े आ जाने हैं। अभी तो क्या क्या इसके साथ होना है आपको बहुत मज़ा आएगा, टेंशन नहीं लेनी। बाकी हैच की डिटेल आपको पता है, ईवो की न्यू लुक भी आपको इंशाल्लाह पता चल जाएगी ईद पर। सो घर निकलते हैं और उसके बाद आपको जो सा मैं रिम दिखाता हूँ। सो गाइस हेयर वी आर, और ये लैम्प है, लैम्प नहीं, मैं आपको रिम्स दिखाने लगा हूँ। तो रिम्स जी ये हैं, अगर मैं पहचान नहीं है तो बिल्कुल ही नहीं, तो मैं बता देता हूँ ये है वर्कमेस्टर L1 17 इंचेस के लॉयज हैं और 9JJ ऑल। जैसा कि आप देख सकते हो भाई खूबसूरत, और मज़े की बात ओरिजिनल पेंट के अंदर हैं, वर्कमेस्टर ओरिजिनल है, कोई चाइनीज़ कॉपी नहीं है, ओरिजिनल रिम्स हैं। और अब बस इंतज़ार है कि गाड़ी का पेंट हो जाए और सारा जो सा है वो सामान वगैरह जो उसका उतारा हुआ है वो फिट हो जाए, उसके बाद ये लगा के देखेंगे कि 17 इंचेस के साथ अच्छे लगती है गाड़ी के नहीं लगती। क्योंकि मुझे दो तीन लोगों ने तो यही कहा कैम्बर्ड करनी पड़ेगी, कैम्बर्ड मैंने करनी नहीं क्योंकि मैंने इंजन एक तगड़ा इंजन लेना है जो भागने वाला इंजन होगा और भागने वाली गाड़ी आपको पता कैम्बर्ड नहीं होती। सो, अब ये मुझे समझ नहीं आ रहा, रिम तो मैंने ले लिया है, अब अगर तो कैम्बर्ड करना पड़ा तो मुझे ये रिम स्पेयर करने पड़ेंगे क्योंकि ये रिम मैं नहीं लगा सकता है, बहुत चौड़े रिम है और परफॉर्मेंस वाली गाड़ियों में चौड़े रिम 9JJ वगैरह नहीं चलते, कैम्बर्ड करने पड़ते हैं। सो, अब देखते हैं, गाड़ी का पेंट आज एक बार फिर से नहीं हुआ तो गाड़ी का अब जब पेंट होगा, सामान वगैरह पैक होगा और मुझे लग रहा है ईद तक नहीं होना, ईद के बाद होना है, इंशाल्लाह फिर भी हमारी कोशिश होगी कि जो काम जितना जल्दी हो सके, इंजन भी इंशाल्लाह अब हमारा जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट होगा, जो मिशन होगा हमारा हैच के लिए वो इंजन का ही होगा। सो इंशाल्लाह इंजन भी जल्द ढूंढेंगे और रिवील करेंगे और इंशाल्लाह अच्छा और तगड़ा परफॉर्मेंस वाला इंजन हम लेके आएंगे। बाकी एक बार फिर से रिम्स अगर आपको पसंद है तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रिव्यू में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।